एलजेब्रा का जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम विद इन सेकेंड इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें दे रखा है 2x plus 1 upon 4x की वैल्यू 1 गिवन है, x square plus 1 upon 64x square की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे x square है और यहाँ पे x है और उसके बराबर में कितना लिखा हुआ है 2, तो यहाँ से हमें 2 हटाना पड़ेगा तभी इसका आंसर हम निकाल पाए। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x upon 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 अपॉन 4 इंटू 2 और x हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2। ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1 अपॉन 4, 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, हमें स्क्वायर चाहिए तो दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर कर लेंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, एट एट जा कितना होता है 64 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 ए, ए की जगह कितना है एक्स है और बी की जगह कितना है 1 अपॉन 8 एक्स है। तो ये वाला एक्स है, ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 फोर जा 8 यहाँ पे हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 2 टू जा कितना हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 64 एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और इक्वल में यहाँ 1 अपॉन 4 बचा है, इक्वल में 1 अपॉन 4 ये वाला हो गया माइनस ये वाला 1 अपॉन 4 इधर पहुँचा देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 64 एक्स स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 0। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा।